गेट बंद कर दो। आइए। सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, राइट? नाउ हम लोग ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट, राइट, व्हाइल वी हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, तो हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ले लेते हैं, लेबर कॉस्ट पर यूनिट ले लेते हैं, बिकॉज दीज आर आइडेंटिफाइबल। बट ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट इज नॉट आइडेंटिफाइबल, बिकॉज ओवरहेड कॉस्ट आर जनरली फिक्स्ड इन नेचर। सो ओवरहेड कॉस्ट एंड कंट्रोल में हम लोग सीखा है हाउ टू इंक्लूड ओवरहेड इन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। दैट आंसर इज ऑन एन एवरेज बेसिस, सच एवरेज इज नोन एज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट और ओवरहेड रिकवरी रेट। मेनी कॉल इट एज बजेटेड रेट ऑल्सो। नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड आउटपुट। आपका टोटल साल में इतना खर्चा होने वाला है, इतना प्रोडक्शन करने वाला है, तो ऑन एन एवरेज यू गेट ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। फर्दर वी हैव ऑल्सो सीन दैट इफ आई कैलकुलेट, सपोज इफ आई एम मेकिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स, देन एवरेज ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड आउटपुट इज फाइन। बट इफ आई एम मेकिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, देन ईच ऑफ द प्रोडक्ट विल टेक डिफरेंट कंप्लीशन टाइम। सो इन सच अ सिनेरियो, इन सच अ सिनेरियो एवरेज ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड आउटपुट विल बी रॉन्ग। लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल, राइट? सो हाउ टू कैलकुलेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट? पहले वॉट वी हैव डन दैट आई एम टेलिंग यू, देन वी विल गो फॉर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सो एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट बाई एस्टिमेटेड आउटपुट और एस्टिमेटेड लेबर आवर और मशीन आवर, राइट? ना एग्जाम्पल वन, सपोज देर आर टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी, प्रोडक्शन यूनिट इज 500 एंड 500, राइट? ओवरहेड कॉस्ट प्रोडक्ट वाइज नहीं पता है, टोटल ओवरहेड कॉस्ट इज 20,000, आउटपुट इज 1,000, राइट? नाउ तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, हाउ टू गेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट? सिंपल है सर, एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट बाई एस्टिमेटेड आउटपुट, दैट इज एवरेज इज 20 रुपीज पर यूनिट। इज इट फाइन? प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वी नो पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑल्सो वी नो पर यूनिट, ओवरहेड कॉस्ट विल बी 20 एंड 20। यस और नो? वेरी सिंपल। सो वी विल गेट फुल कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। राइट? सो दिस इज अ वेरी सिंपल केस। वी नो द एस्टिमेटेड प्रोडक्शन यूनिट ऑफ ए एंड बी, वी नो टोटल ओवरहेड कॉस्ट, सो टोटल ओवरहेड कॉस्ट बाई एस्टिमेटेड आउटपुट। क्लियर? सो यहां पे एवरेज ओवरहेड इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड आउटपुट एंड अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट हैज बीन कैलकुलेटेड। सो प्रोडक्ट ए में 20 रुपीज ओवरहेड इज बीइंग चार्ज्ड पर यूनिट एंड प्रोडक्ट बी ऑल्सो 20 रुपीज ओवरहेड इज चार्ज्ड पर यूनिट। इज इट फाइन एवरी वन? हा? सो लेट अस टेक दिस इज एज एग्जाम्पल वन। डन?
कॉपी कर लीजिए। नाउ व्हाट इफ इफ आई टेल यू लेबर आवर रिक्वायर्ड पर यूनिट 6 आवर 2 आवर, सो कैन एनी वन टेल मी व्हाट विल बी द टोटल लेबर आवर? 6 आवर इंटू 500 प्लस 2 आवर इंटू 500, सो दैट कम्स टू 4000 आवर। 6 आवर इंटू 500 एंड 2 आवर इंटू 500, राइट? नाउ इफ आई कैलकुलेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन, जस्ट आई एम डूइंग इट, इफ आई कैलकुलेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, सो इट इज कमिंग टू 20 रुपीज पर यूनिट एवरेज। सो प्रोडक्ट ए में 20 इज इंक्लूडेड, बी ऑल्सो 20 इज इंक्लूडेड, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एलोकेशन। द रीजन बींग, नाउ आई नो द कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट प्रोडक्ट एंड ईच प्रोडक्ट हैव डिफरेंट कंप्लीशन टाइम। प्रीवियसली कंपनी वॉज मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट प्रोडक्ट बट आई वॉज नॉट नोइंग कंप्लीशन टाइम ऑफ ईच यूनिट, सो आई डिड इट ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। I have to include a fair proportion of overhead to each of the products. यही तो अपने overhead chapter में सीखे। तो अगर मैं 20 का allocation इसमें करूं, 20 का allocation इसमें करूं, तो क्या होगा? As compared to B, A should be charged with more overhead. क्योंकि इसको बनाने में, इसका मतलब तो यही हो गया ना, आपका 6 घंटा का भी overhead खर्चा 20 है, 2 घंटे का भी overhead में आता क्या? Power आता है। तुम लोग पढ़ा ना एस्टिमेटेड ओवरहेड रिलेटेड टू द मशीन और डिपार्टमेंट, रेंट आता है, देन यू हैव लाइटिंग चार्जेस, देन यू हैव पावर, देन यू हैव इनडायरेक्ट वेजेस, राइट? उसी का तो एवरेज निकाल रहे हैं ना हम लोग। सो यहां पर वी आर अज्यूमिंग कि 6 घंटा अगर प्रोडक्ट को बनाने में लग रहा है तो भी चार्जेस 20, 2 घंटा बनाने में लग रहा है तो भी द चार्जेस 20। दिस इज रॉन्ग एलोकेशन। एग्जाम्पल 1 में it was fine because we did not knew that products have different completion time, there were different products but completion time nahi tha, yahan pe to aapko pata hai na, so you cannot do allocation on the basis of output, in that case you have to use estimated labor hour or machine hour. If the factory is labor intensive you go for labor hour, if the factory is machine intensive you go for machine hour. Is it fine? So in this case, when product have different completion time, different products have different completion time, so solution will go like this: multiple products with different completion time. Right? In this case, I will calculate overhead absorption rate on the basis of estimated labor hour. So this is 20,000. Estimated labor hour is 4000 ghanta. So it is coming to 5 per hour. कितना आ रहा है? 5 per hour, ठीक है? नाउ टेल मी
ओवरहेड कॉस्ट ए में कितना आएगा? मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर तो है ही, उसको छोड़ दो, फॉरगेट अबाउट दैट। ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, एक घंटे का 5 रुपया एवरेज आ रहा है, 6 घंटा लग रहा है, तो 30 रुपीज विल बी इंक्लूडेड हियर। ₹10 विल बी इंक्लूडेड हियर, यस और नो? सो नाउ यू कैन से द प्रोडक्ट विच इज टेकिंग मच टाइम टू गेट प्रोड्यूस, उसमें ज्यादा ओवरहेड का शेयर ऐड हो रहा है, राइट? ऐसा करने से द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट विल ऑल्सो बी करेक्ट। क्या होता है ना, अगर आप ओवरहेड का एलोकेशन गलत करेंगे, मतलब कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट गलत है, अगर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट गलत है तो ऑटोमेटिकली सेलिंग प्राइस गलत आएगा। तो कई बार ऐसा होता है, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बाजार में सस्ता बिकता है तो लोग डर से नहीं लेते क्योंकि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, और सस्ता प्रोडक्ट बाजार में महंगा मिलता है तो लोग वैसे नहीं खरीदते। तो अगर ओवरहेड का एलोकेशन गलत करेंगे तो इट कैन अफेक्ट योर प्राइसिंग एंड देयरफॉर द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट विल बी अफेक्टेड। महंगा प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा क्योंकि ओवरहेड कम एलोकेट हुआ है, तो वैसे लोग डरेंगे खरीदते हुए कि भाई महंगा चीज था सस्ता हो गया, मतलब जरूर कुछ प्रॉब्लम होगा क्वालिटी में, और सस्ता चीज महंगा हो गया तो लोग वैसे ही अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, राइट? तो ये सब ज्ञान की बातें हैं, बट अपने को न्यूमेरिकल से मतलब है, राइट? सो सिमिलरली दे कैन ऑल्सो गिव यू मशीन आर, सो यू कैन आइदर डू इट ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आर और यू कैन डू इट ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आर। सो दिस इज एब्जॉर्प्शन। नाउ लेट अस कम टू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, लेट अस कम टू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया? एब्जॉर्प्शन पढ़ाया। एब्जॉर्प्शन का एक रेट आता है, ओवरहेड का वन सिंगल रेट, इट इज आइदर ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट और ऑन द बेसिस ऑफ आवर। लेबर इंटेंसिव है तो लेबर आर, मशीन इंटेंसिव है तो मशीन आर, राइट? समझ गए आप लोग? तो आपको एग्जाम में देख लेना है, डिफरेंट प्रोडक्ट है और सबका आवर पर यूनिट देगा, देख लीजिएगा सेम है कि डिफरेंट है। डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट कंप्लीशन टाइम, लेबर आर और मशीन आर दोनों देगा, तो कोई भी एक ले लीजिएगा, नोट में लिख दीजिएगा, या तो क्वेश्चन में बोल देगा डू एलोकेट ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल मेथड और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर और ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर और ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, कोई भी एक। नहीं बोलता है तो आप अपना लॉजिक देके कोई भी एक मेथड सेलेक्ट कर लीजिएगा। नाउ लेट अस कम टू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, राइट? नाउ सेम एग्जाम्पल से बढ़ेंगे हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। प्रोडक्ट ए बी टोटल, प्रोडक्शन यूनिट्स मतलब वॉल्यूम 500 यूनिट 1000 यूनिट, राइट? मशीन आवर रिक्वायर्ड पर यूनिट, मशीन आवर रिक्वायर्ड पर यूनिट 3 घंटा 2 घंटा, सो व्हाट विल बी द टोटल? 500 × 3 + 500 × 2 equals to 2500 hours, ठीक है? नाउ अदर डिटेल्स भी दिया हुआ है, जैसे नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर। आज प्रोडक्ट ए बनाने में रॉ मेटेरियल लग रहा होगा, तो 500 बनाने में यू नो हाउ मच रॉ मेटेरियल विल बी रिक्वायर्ड, तो वो रॉ मेटेरियल का परचेज आप ईओक्यू के हिसाब से करेंगे, यस और नो? सो दैट ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट बिकम्स लो। 500 प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मेटेरियल चाहिए, ये रॉ मेटेरियल का आप ईओक्यू फॉर्मूला में बैठाए होंगे, तो आपको पता चल गया होगा ये रॉ मेटेरियल जो अपने को खरीदना है
ये थोड़ा थोड़ा करके खरीदेंगे ना, तो वो थोड़ा थोड़ा कौन से फॉर्मूला से आता है? ईओक्यू से आता है। अगर ईओक्यू आ गया तो यू कैन कम टू नो नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर। सो नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर इज लाइक दिस, 10 ऑर्डर्स इसका है, 15 ऑर्डर इसका है, टोटल मिला के 25 ऑर्डर। इज इट फाइन? नंबर ऑफ डिलीवरीज, ये 500 को बेचेंगे ना तो लॉट में बिकता है। सपोज 10 यूनिट का एक लॉट है, जो भी जितना भी लॉट में बिकेगा, तो नंबर ऑफ डिलीवरीज कितना है? तो नंबर ऑफ डिलीवरीज है, ये 30 डिलीवरी है, दिस इज 20 डिलीवरीज, सो टोटल में वी हैव 50 डिलीवरीज। एंड नंबर 5, ओवरहेड कॉस्ट 20,000 दिया हुआ है, और क्वेश्चन में ब्रेकअप ऑफ ओवरहेड कॉस्ट भी दिया हुआ है। ब्रेकअप कुछ इस प्रकार है, वॉल्यूम रिलेटेड, जो भी वॉल्यूम रिलेटेड है, वॉल्यूम रिलेटेड का टोटल इज 10,000, ऑर्डरिंग रिलेटेड ओवरहेड इज 6,000 एंड डिलीवरी रिलेटेड ओवरहेड इज 4,000। तो ये 20,000 आपको एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, ऐसा ब्रेकअप। मतलब जो टोटल ओवरहेड है उसको हमने एक्टिविटी वाइज क्लासिफाई किया कि ये सब ओवरहेड वॉल्यूम से रिलेटेड है, दीज ओवरहेड्स आर रिलेटेड विद नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स, दिस मच ओवरहेड इज रिलेटेड विद नंबर ऑफ डिलीवरीज, राइट। ये एग्जाम में आपको ये ब्रेकअप करके देगा, आपको करना नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ओवरहेड कॉस्ट का अलग अलग एक्टिविटी निकालना है और उस एक्टिविटी से रिलेटेड जितना भी खर्चा, अभी तो अपने क्या करते थे, पूरा डिपार्टमेंट का खर्चा एज अ होल, अभी डिपार्टमेंट वाइज नहीं, एक्टिविटी वाइज। डिपार्टमेंट में परचेज रिलेटेड एक्टिविटी है, एडमिन रिलेटेड होगा, सेल्स रिलेटेड होगा, राइट, स्टोरेज रिलेटेड होगा, जितना भी एक्टिविटी है उस एक्टिविटी वाइज को खर्चा को डिवाइड करना है, राइट। तो ये एग्जाम में आपके लिए करके देगा। अभी अपने को निकालना है कैलकुलेट नंबर 1, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट एब्जॉर्प्शन वाला, और वही चीज ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट एबीसी वाला, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, इज इट फाइन? देख लीजिए, चल वी स्टार्ट। आइए सबसे पहले हम लोग करेंगे ट्रेडिशनल ऑब्लिक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज व्हाट, एस्टिमेटेड
ओवरहेड कॉस्ट टू द डिपार्टमेंट, पूरे डिपार्टमेंट का, एक्टिविटी वाइज नहीं, डिवाइडेड बाय आउटपुट भी ले सकते हैं, लेबर आर भी ले सकते हैं, मशीन आर भी ले सकते हैं। तो आउटपुट तो लेंगे नहीं, क्योंकि यू कैन सी दैट मल्टीपल प्रोडक्ट और सारे प्रोडक्ट का कंप्लीशन टाइम अलग अलग है। अच्छा, अब आवर में कौन सा दिया हुआ, लेबर आवर दिया है कि मशीन आवर दिया है? लेबर आर दिया है, नहीं सर, मशीन आर दिया है। ठीक है, अगर लेबर आर मशीन आर दोनों देता तो आप नोट देके लिख लेते, राइट। सो हम लोग लेंगे एस्टिमेटेड मशीन आर। मैंने क्वेश्चन भी आपको बनवा दिया और उसका सॉल्यूशन भी करवा दे रहा हूं। सो 20,000 मेरा पूरा डिपार्टमेंट का ओवरहेड है और टोटल मशीन आवर है हमारा 2,500 घंटा, तो हिसाब से कितना आ रहा है, ये 8 रुपया पर मशीन आवर इज माई एवरेज ओवरहेड, राइट। नाउ ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बहुत सिंपल है, कैसे लेना है, 8 रुपया 1 घंटा का, और एक प्रोडक्ट बनाने में 3 घंटा लग रहा है, सो इट इज 24 रुपीज पर यूनिट। 8 रुपया घंटा का और एक एक प्रोडक्ट बनाने में 2 घंटा लग रहा है, सो इट इज 16 पर यूनिट। वेरी सिंपल। है ना, कुछ करना ही नहीं है सर, आज आपका मशीन आवर के बेसिस पे एवरेज आ गया ना। अब एक प्रोडक्ट बनाने में 3 घंटा लग रहा है, 2 घंटा लग रहा है, उस हिसाब से आप ओवरहेड शेयर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में डाल दीजिए। तो प्रोडक्ट ए का ओवरहेड कॉस्ट आ रहा है 24, प्रोडक्ट बी का आ रहा है 16। सिंपल। हाँ, तो यहां पे एवरेज आया ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मशीन आवर, 8 रुपया इज द मशीन आवर रेट। इसको अपने MHR भी बोलते हैं, ओवरहेड चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब जो प्रोडक्ट बनाने में जितना घंटा लग रहा है उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। नाउ वी विल डू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ABC। तो सबसे पहला स्टेप इज कैलकुलेट कॉस्ट पर ड्राइवर, मतलब कॉस्ट पर ईच एक्टिविटी। जैसे द ओवरहेड कॉस्ट जो बिजनेस का एक्टिविटीज है, 3 पार्ट में क्लासिफाइड है। पहला एक्टिविटी इज वॉल्यूम रिलेटेड, दूसरा इज ऑर्डरिंग रिलेटेड, थर्ड वन इज डिलीवरी रिलेटेड। इज इट फाइन? हाँ, कॉस्ट पूल, कॉस्ट पूल मतलब व्हाट इज द ओवरहेड कॉस्ट रिलेटेड टू ईच एक्टिविटी। विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम इट इज 10,000, विथ रेस्पेक्ट टू ऑर्डरिंग इट इज 4,000, विथ रेस्पेक्ट टू डिलीवरी इट इज सॉरी विथ रेस्पेक्ट टू ऑर्डरिंग इट इज 6,000, विथ रेस्पेक्ट टू डिलीवरी इट इज 4,000। ये सब क्वेश्चन में दिया है एंड द टोटल इज 20,000, दैट ऑल्सो वी नो। नाउ वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट इज 10,000, सो इट विल वेरी ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। ऑर्डरिंग रिलेटेड कॉस्ट इज 6,000, तो इट विल वेरी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर। बोलना चालू नहीं हुआ अभी। डिलीवरी रिलेटेड खर्चा है 4,000,
Is it fine? Volume related kharcha, overhead cost is 10,000, ordering related is 6,000 and delivery related is 4,000. So this volume related will vary on the basis of output volume. So her activity ka ek cost driver hoga. Kya hoga? Cost driver. That is volume. Iska number of orders. Iska number of delivery. So volume is 1000 unit. Order is kitna? 25 orders, and this is 50 delivery. ठीक है, सो वॉल्यूम रिलेटेड टोटल वॉल्यूम 500 हजार है, ऑर्डरिंग रिलेटेड टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर इज 25, डिलीवरी रिलेटेड इज राइट. अब अपने को निकालना है कॉस्ट पर ड्राइवर. क्या निकालना है अपने को? कॉस्ट पर ड्राइवर. तो वॉल्यूम रिलेटेड 10,000 है एंड टोटल वॉल्यूम इज 1,000, सो दिस इज 10 रुपीज पर यूनिट. राइट. परचेज ऑर्डर रिलेटेड 6,000 है डिवाइडेड बाय 25 ऑर्डर्स, कितना आ रहा है बोलिए? 240 पर ऑर्डर. 4,000 इज डिलीवरी रिलेटेड, 50 डिलीवरी है, 80 पर डिलीवरी. ठीक है, सो जो टोटल ओवरहेड था, टोटल ओवरहेड का एक सिंगल एवरेज रेट आता था, उसको हम लोग एक्टिविटी वाइज डिवाइड करके ईच एक्टिविटी का टोटल ओवरहेड कॉस्ट निकाला एंड उससे रिलेटेड उसका ड्राइवर देखा. मतलब इट वेरीज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट. एंड जैसे पेट्रोल कॉस्ट है, पेट्रोल कॉस्ट का ड्राइवर है किलोमीटर ट्रेवल्ड. अपने जो कैफे में बैठ के जो कंप्यूटर चलाते हैं उसका ड्राइवर इज नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट. राइट. ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में अपने जैसे बस फेयर निकालते तो उसमें ड्राइवर इज पर पैसेंजर पर किलोमीटर. सो हर एक खर्चा का एक ड्राइवर होता है. सो कॉस्ट पर ड्राइवर आ गया, कॉस्ट पुल बाय ड्राइवर. राइट. यस और नो? काइंडली सी दिस.
ये कब आया? एक एसी बंद करो नाउ. स्टेप टू, ओवरहेड कॉस्ट एलोकेटेड टू प्रोडक्ट्स. सबसे पहला वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट जो है 10 रुपये पर यूनिट एंड टोटल प्रोडक्ट है इस 500. यस और नो? तो 5000 आएगा. 10 × 500 सेम हियर 5000 आएगा. ऑर्डरिंग रिलेटेड 240 पर ऑर्डर है एंड प्रोडक्ट एक एक केस में 10 ऑर्डर्स. है और बी के केस में 15 ऑर्डर्स. जिसका जितना है पर ऑर्डर आ गया ना, इसका पर आउटपुट आया था टोटल प्रोडक्ट है 500, बी 500, तो उस हिसाब से ओवरहेड आ गया. इसका पर ऑर्डर 240, टोटल 10 ऑर्डर्स एंड 15 ऑर्डर्स. डिलीवरी रिलेटेड कॉस्ट 80 × 30 डिलीवरीज 2400, 80 × 20 डिलीवरीज 1600. यस और नो? सो ओवरहेड कॉस्ट कितना आ रहा है? इस वाले का आ रहा है 9800, इस वाले का आ रहा है 10200. नाउ कॉस्ट पर यूनिट निकालना है. सो 9800 इज टोटल ओवरहेड एलोकेटेड डिवाइडेड बाय 500, 10200 इज टोटल ओवरहेड एलोकेटेड डिवाइडेड बाय 500. सो इस तरीके से अपने ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं एज पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. सो इट इज कमिंग टू 19.60. It is coming to 20.40. This is it. All this is what we have to say from this chapter. Right? So activity mein department ka jo total overhead cost usko activity wise divide karo. 4, 5, 6 jitna bhi activities hai aapke. Usse related sara overhead cost ko pull kar lo. Isliye cost pull likha hai. Then sabka driver select karke cost per driver nikalo. Then product wise calculate total overhead cost divided by number of units produced, you get overhead cost per unit. Yes or no? Bandh karo.